एनजीटी ऑन वेरियस पैरामीटर्स. पहला है स्पीड एंड इफेक्टिवनेस. क्यों बनाया था एनजीटी? स्पीडी जस्टिस एंड इफेक्टिव जस्टिस. अब उसके ऊपर हम उसको इवेल्युएट करते हैं. एनजीटी से पहले जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म था जिसमें आप लोअर कोर्ट में जाते थे, फिर हाई कोर्ट में जाते थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, उसमें बहुत टाइम लगता था. वर्चुअली नॉट वर्चुअली रियली नो केस एंडेड अप द एंटायर लाइफ साइकिल. क्या तो रिस्पोंडेंट ने हार मान ली या प्रोपोनेंट ने हार मान ली. जिसने केस किया उसने हार मान ली या फिर जिसके वो केस हुआ उसने हार मान ली और राजीनामा पे केस खत्म. 96% केसेस इन छत्तीसगढ़ वर पेंडिंग इन लोअर कोर्ट्स रिगार्डिंग एनवायरमेंटल जस्टिस. 76% केसेस इन उड़ीसा वर पेंडिंग इन लोअर कोर्ट्स रिगार्डिंग एनवायरमेंटल जस्टिस. 55% केसेस वर पेंडिंग इन कर्नाटका इन लोअर कोर्ट्स regarding environmental justice. This was the case of pregnancy. National Green Tribunal आया और पहले 2-3 साल में 6000 में से 3000 cases का निपटारा कर दिया. 60% strike rate थी National Green Tribunal की to dispose of the cases. कोई भी अपील करनी है सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ. ले देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना, 5 साल ले लेगी, 6 साल ले लेगी, तो कम से कम एक इशू का निपटारा 5.5-6 साल में तो हो रहा था. पहले तो 15-20 साल लोअर कोर्ट में ही लग रहे. This is the effectiveness and speed of delivery of justice of National Green Tribunal. Am I clear? So this shows the pendency of cases and this diagram roughly shows the pendency of cases and the cases which have been disposed of by National Green Tribunal. सबसे बढ़िया performance आपके रही है principal bench की. 2000 almost 3000 cases में से 2000 इन्होंने dispose of कर दिया. 66-70% strike ratio. बहुत डिसिमिलर परफॉर्मेंस रही है ईस्टर्न बेंच, वेस्टर्न बेंच और सेंट्रल बेंच की. जहाँ पे डिस्पोजल सदर्न बेंच वेस्टर्न बेंच एंड ईस्टर्न बेंच रेशियो समवेयर 30-40% रही है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए तो. हमारे नॉर्मल जुडिशियल के अंदर इतना नहीं होता, बट दे आर डिलीवरिंग अ काइंड ऑफ स्पीडी जस्टिस. सो द बेस्ट परफॉर्मर इन डिस्पोजिंग ऑफ द केसेज इज प्रिंसिपल बेंच फॉलोड बाय द सेंट्रल बेंच. बाकी जो सदर्न बेंच, वेस्टर्न बेंच और ईस्टर्न बेंच है दैट इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द लेवल. सो ये आप लिख सकते हैं इन योर असेसमेंट ऑफ स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ जस्टिस. एम आई क्लियर? ओके, लेट्स गो अहेड. हाउएवर देयर आर सम डार्क साइड्स आल्सो टू द स्पीड एंड इफेक्टिवनेस. पहली चीज, पहले साल में 548 केसेस आए थे एनजीटी के पास में. उसके अगले साल 548 से सीधा 3000. 2014 में सीधा 4.5 लिटिगेशन. विद टाइम द नंबर ऑफ केसेस, द बर्डन ऑन एनजीटी इज इंक्रीजिंग एंड द गवर्नमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस फैक्ट. और अभी भी द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एनजीटी इज समवेयर क्लोज टू 12-15. गेटिंग माय पॉइंट? सो बहुत सारी वैकेंसीज तो वहां फिल ही नहीं हुई है, जजेस नहीं है ट्रिब्यूनल्स में टू लुक इनटू द मैटर. सो द बर्डन इज इंक्रीजिंग, हाउएवर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयरनेस इज वेरी पुअर. ये भी आप इसमें लिख सकते हैं. ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मेंबरशिप ऑफ एनजीटी? 10 जुडिशियल मेंबर, 10 एक्सपर्ट मेंबर और एक चेयरमैन. ये मिनिमम है. कितने हुए? 21. 20 जुडिशियल मेंबर, 20 एक्सपर्ट मेंबर और एक चेयरमैन, ये मैक्सिमम है. ये कितने हुए? 41. 21 से 41 बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए टोटल एनजीटी की. लेकिन अभी कितनी है? 4 प्रिंसिपल बेंच में और बाकी सब में 2-2, 2 दिया 6, 4, 10, 10. यानी कम से कम 11 जजेस की तो अभी भी जरूरत है या 11 एडमिनिस्ट्रेटर्स की तो अभी भी जरूरत है जो गवर्नमेंट फिल नहीं कर रही है. 41 तो बहुत दूर की बात है. गेटिंग माई पॉइंट? सो द फर्स्ट डार्क साइड इज लिटिगेशन आर इंक्रीजिंग. सेकेंड डार्क साइड इज administrative machinery provided to entities kept stagnant and not increasing with the increasing burden of litigation. And the third is, all right, and not all benches are working at the same level. जैसे principal bench का strike rate 66% है, वहीं पे जो western, eastern और southern bench है, they are functioning somewhere close to 30-40% के आसपास. All right, and in many high profile cases, timely delivery of justice is not taking place. इनकी व्हाट इज द मैंडेट ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस? 6 महीने के अंदर अंदर केस को डिस्पोज करना है. बट मेनी प्रोफाइल केसेस आर कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 2 इयर्स.
जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जिंदल इंडस्ट्री का 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट सेटअप हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके ऊपर एनजीटी ने 3-4 साल से ज्यादा का टाइम ले लिया टू कम आउट विद अ वर्डिक्ट, गेटिंग माय पॉइंट, जबकि कितना टाइम मेंटेन करता है टाइम टाइम पीरियड 6 मंथ, तो देयर इज क्लियर वायलेशन ऑफ डेडलाइंस ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस इन हाई प्रोफाइल केसेस। सिमिलरली सिंगरौली में और इन सिंगरौली सम एक्टिविस्ट फाइल लिटिगेशन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टेटिंग दैट माइनिंग एक्टिविटीज एंड थर्मल पावर प्लांट इन सिंगरौली इज कॉजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, उसके ऊपर भी 2-3 साल तक केस लटकेगा, गेटिंग माय पॉइंट। सो इन हाई प्रोफाइल केसेस दे आर नॉट कमिंग आउट विद वर्डिक्ट, और जो छोटे मोटे केसेस हैं उनको दिखा के बहुत ज्यादा हाइप में दिखाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 ईटरी आउटलेट्स बंद कर दिए होस्कास विलेज में क्योंकि उन्होंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन नहीं ली, व्हाट इंपैक्ट इज दैट गोइंग टू हैव, करना है तो जिंदल पावर प्लांट बंद करो ना जो वहां पे धुआं उगल रहा है पूरा, करना है तो ये सिंगरौली के थर्मल पावर प्लांट बंद करिए, वो नहीं कर रहे। सो इट इज ऑल्सो बींग अक्यूज्ड ऑफ द फैक्ट कि ये छोटी मोटी बातें बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जहां पे बड़ा बड़े काम करने होते हैं वहां ये चुप जाते हैं, दैट इज व्हाट द वन ऑफ द फैक्ट्स। ओके, ये जो पहला जिंदल इंडस्ट्री के अगेंस्ट रमेश अग्रवाल ने लिटिगेशन करा था, रमेश अग्रवाल इज अवॉर्डी ऑफ द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, कैन यू टेल मी द अदर नेम फॉर गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, हाउ डू वी बेटर नो द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, ग्रीन नोबेल। ऑलराइट, सो रमेश अग्रवाल साहब ने लिटिगेशन डाली थी छत्तीसगढ़ में जिंदल इंडस्ट्री के अगेंस्ट एंड ही वाज द अवॉर्डी ऑफ गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज व्हिच इज आल्सो नोन बाय द नेम ग्रीन नोबेल। ऑलराइट, फाइन, सो मेनी पीपल नाउ बिलीव दैट एनजीटी कीप्स dragging major issues and hype up the minor one. Second dimension pe agar hum evaluate, so recently the government to enhance the scale of NGT has reduced the minimum bench to one person to the bench. Is that a solution or is that a problem itself? It's a problem in itself. See, the thing is the same. Environmental issues are not general issues. They need sometimes expertise. So why we actually develop harmony between the judicial expertise? Because there are two dimensions. One is the general dimension which is related with justice and second is the environmental aspect which is to be dealt by expertise. अब क्या करेगा जज को environmental matters की expertise नहीं पता होगी, अगर आप उनको एक नंबर पे वो कर देते हैं reduce them to just one in number तो वहाँ पे expertise compromise हो जाएगी। Second, अगर कहीं पे जज बैठ रहा है तो वहाँ पे environmental expertise compromise हुई और कहीं पे expert बैठ रहा है तो वहाँ पे justice के principles violate होंगे। सेकेंड, अगर बेंच स्ट्रेंथ ज़्यादा है यू कैन नॉट ब्रिंग इन करप्शन इन देयर, अगर आपने बेंच स्ट्रेंथ 1 रखी है तो देयर इज वेरी इजी चांस टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन एंड दैट इज हैपनिंग एंड द गवर्नमेंट हैज नॉट जस्ट मेड दिस थिंग टू वीकन एनजीटी, देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू वीकन द एनजीटी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस। कैन नॉट बी अ वे फॉरवर्ड फॉर हाउ टू बेटर द हाई जुडिशियल। आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को पार्क करते जा रहे हैं फालतू की जगह पर, जहाँ पे जो था उनको, व्हाट इज द नीड ऑफ क्रिएटिंग वन बेंच, वन पर्सन पर बेंच, एक 11 जजेस को एडिशनल आपने रिक्रूट करना है, आप नहीं कर सकते, आप उनको 80,000 रुपये महीने की तनख्वाह नहीं दे सकते। द गवर्नमेंट इज वेस्टिंग मनी हेयर कहीं पर भी खर्च कर रही है, बहुत जगह ऐसी जगह पर जहाँ पे अनवॉन्टेड एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट कैन स्टॉप दैट एंड कैन डाइवर्ट दैट फंड्स टू द एनवायरमेंटल जस्टिस, that is a more viable solution than reducing the bench strength to one. फिर एक बंदे, अब पहले क्या होता है जैसे if there are 4 judges in this thing, say भोपाल बेंच, तो भोपाल बेंच के जो छोटे मोटे इश्यूज थे चारों जजेस अपनी अपनी बेंच, चार बेंच बना के एक साथ चार केसेस को डील कर लेते थे। अब एक ही आपने एक पर्टिकुलर सीट पे एक बंदा बिठा दिया या दो बंदे बिठा दिया, that is going to reduce the number of litigations which were disposed of by that particular bench. That is also one of the reasons. So, but we can use it definitely on a case-to-case basis for disposing of the minor cases so that the major ones can be paid. Case-to-case basis can only be handled if there are hundreds of cases, but now there are thousands of cases. How many cases for case-to-case? The government has already taken this decision. No, the government is taking this decision. The government has already taken this. Let them. You can not criticize it in a way. You can say, like for example, whenever there is involvement of money power and muscle power, this is a negative consequence.
and when there is a common person being involved or a very low profile case, तो वहाँ पे positive. तो आपको ये लिखना पड़ेगा वहाँ पे कि this is a one of the better way. But however, whenever there is involvement of a high profile case or maybe a quantum of investment can be thought upon कि अभी इतने जैसे thermal power plant बहुत बड़ा power plant है, वहाँ पे कम से कम चार judges आपको required होंगे. And there can also be facilitated the cyclical cyclical revolution of judges. जैसे अभी मान लो जैसे एक बेंच में 10 बंदे हैं, वहाँ पे कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं हैंडल हो रहा है, सदर्न बेंच में दो ही बंदे हैं, तो हो सकता है दो बंदे वहाँ से उठा के यहाँ पे आप शिफ्ट कर दो फॉर दैट पर्टिकुलर हियरिंग. सो दैट कैन ऑल्सो टेक प्लेस. ऑलराइट, सो यू कैन हैव कमिटीज लाइक वी हैव दोस फॉर दिस डाउली एक्ट. So what they are doing is? So that we can have an environment committee also. That will proliferate the levels of justice delivery. So jitne jyada aap levels create karenge, to that is going to create a problem. Somewhere a balance has to be struck upon. यहाँ पे एक चीज करी जा सकती है कि एक जैसे PIL segregation committee होती है, तो कोई भी PIL डालता है ना, तो वो committee पहले देखती है कि frivolous है या नहीं है. वैसे ही आप एक स्क्रीनिंग कमिटी सेटअप कर सकते हो जो केसेस को दो सेगमेंट में डिवाइड करेगी, हाई प्रोफाइल केसेस एंड नॉर्मल प्रोफाइल केसेस. तो नॉर्मल प्रोफाइल आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हाई प्रोफाइल्स कैन ओनली बी गिवन टू अ फुल बेंच स्ट्रेंथ, या फिर चार या पांच जजेस की बेंच स्ट्रेंथ को आप दो. ये आप सजेस्ट कर सकते हो कि देयर कैन बी अ कमिटी फॉर स्क्रीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल लिटिगेशंस इनटू हाई प्रोफाइल एंड नॉर्मल केसेस. नॉर्मल केसेस कैन बी डील्ड बाय अ बेंच स्ट्रेंथ ऑफ वन और टू जजेस, वन जुडिशियल एंड वन एक्सपर्ट. दो तो आप मिनिमम रखो, नहीं तो इट इज गोइंग टू वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ एनजीटी. ऑलराइट, एक्सपर्टाइज और जुडिशियल दोनों का हार्मोनियस बैलेंस होना चाहिए. तो आप बोल सकते हो कि नॉर्मल लिटिगेशंस को आप दो बंदों की बेंच स्ट्रेंथ के पास भेज दो, और जो हाई प्रोफाइल है उनमें कम से कम चार या पांच बंदों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. तो दिस इज अ वे फॉरवर्ड दैट यू कैन ऑलवेज सजेस्ट. ऑलराइट, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एनजीटी ऑन द सेकंड डायमेंशन, दैट इज द टेक्निकल ग्राउंड. टेक्निकल ग्राउंड का मतलब है कि द गवर्नमेंट try to strike a technical balance between principles of justice, principles of administrative efficiency and environmental expertise by incorporating people from all the three dimensions into NGT. जैसे मैंने आपको बताया कि 10 expert members होंगे कम से कम, या 20 expert members होंगे, या फिर 10 judicial member होंगे, या फिर 20 judicial member होंगे. इन सब की grouping से ही NGT का गठन किया जाएगा. So it wanted to bring technical expertise along with general expertise. जनरल एक्सपर्टाइज मतलब जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टाइज, और टेक्निकल एक्सपर्टाइज मतलब एनवायरमेंटल एक्सपर्टाइज. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई इट वाज अ वेरी पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ एनजीटी. क्लियर, नाउ लेट अस सी, नाउ व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स. एक्सपर्ट मेंबर की ये रिक्वायरमेंट थी, आइदर दे हैव टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स इन एनवायरमेंटल लिटिगेशन या एनवायरमेंटल पॉलिसीज, आइदर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वो एकेडमिशियंस एंड रिसर्चर्स होने चाहिए, या फिर वो टेक्निकल प्रोफेशनल्स होने चाहिए, वो वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट. ओनली दे कैन बिकम द एक्सपर्ट मेंबर्स इनटू एनजीटी. एम आई क्लियर? ओके, द मिक्स स्ट्रक्चर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बिकॉज़ जुडिशियरी अलोन कैन नॉट हैंडल द टेक्निकल क्वेश्चंस दैट माइट ऑफन क्रॉप अप. इसीलिए तो एक बैलेंस चाहिए था अमंग द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी एंड द टेक्निकल एक्सपर्टाइज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. हाउएवर, फ्रॉम मेनी कॉर्नर्स टेक्निकल ग्राउंड ऑफ जजमेंट्स आर क्वेश्चन. पहली चीज, जजेस दे कंसिडर देमसेल्व सुपीरियर देन द एक्सपर्ट्स, एंड दे कंसिडर देमसेल्व हैवी वेट्स, एंड दे इग्नोर द टेक्निकल एक्सपर्टाइज रेंडर्ड टू देम बाय द टेक्निकल प्रोफेशनल्स. सो द फर्स्ट क्रिटिसिज्म दैट यू कैन गिव टू द टेक्निकल एक्सपर्टाइज और द टेक्निकल ग्राउंड इज दैट द जुडिशरी कंसिडर देमसेल्व ओवरवेट और हैवी वेट कंपेयर्ड टू द टेक्निकल people on board, and therefore they often ignore the technical advice rendered to the judicial heavyweights by the technical expertise on the bench. Am I clear? Second, many critics argue lack of environmental finesse of the technical expert. अब जैसे technical expert है, आपने एक bench में दो बंदे बिठाए, एक judicial वाला बिठा दिया और एक आपने बिठा दिया कोई industrial pollution से related बंदा. ठीक है, अब उसके उस बेंच के सामने कोई ऐसा केस आता है जहां पे देयर इज वायलेशन ऑफ से एनी नेशनल बोर्ड फॉर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो एक्सपर्ट बंदा है वो एनवायरमेंटल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से रिलेटेड है, ही डज नॉट नो द नीटी क्रिटीज ऑफ
the national park and wildlife sanctuaries. So कहीं ना कहीं पे वो भी चीज compromise हो रही है. So expertise के अंदर you will have to segregate them कि कौन कौन से केस में बैठेगा. So this is also a question that many critics argue that there is lack of environmental finesse. Experts often master only one segment of environment and not the environment as a whole. All right. Third, there is also selective nature of judgments which has been questioned by the various critics. जैसे ओखला वाइल्डलाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस थे वो खाली करा दिए. लेकिन ओखला वाइल्डलाइफ सेंचुरी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं थी, उसका कुछ पार्ट दिल्ली में भी था और दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने. सो समटाइम्स द जजमेंट्स आर ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर द सेलेक्टिव नेचर. सम द जजमेंट ऑन अ पर्टिकुलर इशू अप्लाइज ओनली टू अ सर्टन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. जैसे ये ओखला वाइल्डलाइफ सेंचुरी का आइडिया दे सकते हैं कि इसके ऊपर जो जजमेंट आपने दी रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस खाली करने को सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू हुई, दिल्ली में क्यों नहीं. ऑलराइट. बिसाइड्स दैट देयर इज आल्सो सेड दैट देयर इज फिकल माइंडेड जस्टिस डिलीवरी. एक पिछली सिटिंग में आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्यूमुलेटिव एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट मतलब डिटेल्ड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करने का ऑर्डर दिया और अगली ही जजमेंट में उसको आपने रैपिड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करा दिया. डिटेल से सीधा फटाफट वाला काम. इट हैज बीन सीन इन मेनी ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. सो दीज आर द वेरियस डायमेंशंस ऑन व्हिच द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज क्रिटिसाइज्ड पर्टेनिंग टू इट्स टेक्निकल ग्राउंड्स. ऑलराइट. द थर्ड एनालिसिस कैन बी डन ऑन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्टिंग एज अ डिटरेंट. इट हैज एक्चुअली बिकम अ डिटरेंट इन अ मैनर कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टुडे इज फियरिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. मोर देन 50% ऑफ द लिटिगेशंस व्हिच हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आर एसोसिएटेड विद द क्लियरेंसेस गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और उन क्लियरेंसेस को एनजीटी ने कैंसिल कर दिया. दैट मींस दैट नाउ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री हैज टू बी वेरी मच कंसर्न्ड एंड वेरी मच डिटेल्ड एग्जामिनेशन शुड बी डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. लैकेड एसिकल एटीट्यूड नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर कौन बैठे हैं एनजीटी. आप यहाँ क्लियरेंस देंगे वहां पे उसने क्वेश्चन कर देना. सो सम वे इट हैज एक्चुअली एक्टिंग एज अ डिटरेंस टू द लैकेड एसिकल एटीट्यूड ढीला ढाला एटीट्यूड अडॉप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. एम आई क्लियर. देन एनजीटी हैज इंक्रीज्ड. This is also a very important point. पहले गवर्नमेंट नहीं ध्यान देती थी कि ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या बोल रहा है या what does this clean environment campaign is saying. But now, the say of the environmental NGOs, the say of the expert bodies like the State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board has been infused into policy making by the government. क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसी आलतू फालतू पॉलिसी ले आएगी तो लिटिगेशन कहाँ आएगा, सीधा एनजीटी में. और एनजीटी उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, क्वेश्चन कर देगी. सो द से ऑफ एनवायरमेंटल एनजीओस एंड एक्सपर्ट बॉडीज लाइक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बीन इंक्रीज्ड इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस. सो सर, डेटरेंस इज अ नेगेटिव कनोटेशन टू द काइंड ऑफ एक्टिविज्म दैट दे आर डूइंग आई वुड से. डेटरेंस टू व्हाट, दैट डिटरमाइंस द फ्लेवर ऑफ द वर्ड डेटरेंस. सी, न्यूक्लियर डेटरेंस इज अ पॉजिटिव थिंग. क्या कहता है न्यूक्लियर डिटरेंस, शांति बनाने का तरीका है. वही यहां पे हो रहा है. इट इज अ डिटरेंस टू द लैकेडाइसिकल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. ऑलराइट. सो इट इज अ पॉजिटिव फ्लेवर हियर. सो ओवर डिटरेंस, डिटरेंस कैन बी एन ऑक्सीमोरॉन, देयर विल बी Now, NGT made pollution board's presence felt by the government which otherwise were ignoring the advices rendered by them. Alright. Now, coming to the negative side, in most cases the NGT, instead of questioning the project, is recommending re-evaluation. Aapne litigation lagai, environmental clearance de diya, kisne? Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Getting a clearance, conducting environment impact assessment, conducting environmental evaluation. All these things require huge investment by the project authorities. Either you give them the go ahead or you quash it so that a new project can be
thought upon. ये क्या करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का रीवैल्यूएशन कराने का ऑर्डर, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का रीवैल्यूएशन कंडक्ट कराने की वजह से वहां पे डिलेज होते हैं, डिलेज की वजह से द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट गोज अवे, वहां पे फाइनेंशियल बर्डन्स आते हैं, वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कम्स इनटू क्वेश्चन एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स द प्रोजेक्ट डज नॉट एक्चुअली बिकम वायबल। जब वो पास होगा भी तब तक वो अपनी एक्चुअल पोटेंशियल खत्म, उसकी एक्चुअल पोटेंशियल खत्म हो चुकी होगी। ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ जजमेंट और जस्टिस बाय द एनजीटी देयर इज ऑफन डिक्रीज इन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, मेनी टाइम्स एनजीटी इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर इम्पोजिंग वेरी हार्श पेनल्टीज ऑन द प्राइवेट बॉडीज which may be individuals or a entity. For example, there are many government industries that are releasing effluents into river Ganga. The entity is not doing anything, but a private industry like the this Simbauli sugar mill or Gopalji dairy releasing the effluents into river Ganga, they were fined 5 crore and 25 lakh rupees respectively. And both of them were not in the feasible state to pay that. Itna paisa nahi tha unke paas. So that is why it is also criticized of not having a scientific mechanism to arrive at fines. It is criticized of selective penalties. Getting my point? Jaise badi badi corporation, the leather industry of Kanpur, has been polluting the river since time immemorial. जब से ये सेटअप हुई तब से ये गंदी करती जा रही है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बट एक डेयरी और एक शुगर मिल के ऊपर आपने 5 करोड़ और 25 लाख रुपए का फाइन लगा दिया, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, यू हैव टू कम आउट एट अ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू इम्पोज फाइन्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑन द फोर्थ पैरामीटर, दैट इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस। पहले क्या होता था, लोकल कोर्ट्स में आपको अपील करनी होती थी। आई एम अ वेरी पुअर ट्राइबल, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने लोकल कोर्ट में जाके कुछ चीज रिपोर्ट कर सकता हूँ। अब मेरे को यही चीज रिपोर्ट करने के लिए मेरे नजदीकी बेंच में जाना पड़ेगा, आइदर आई विल हैव टू गो टू न्यू दिल्ली, आई विल हैव टू गो टू कोलकाता, चेन्नई, भोपाल या फिर और कौन सा, एनजीटी चेन्नई, इलाहाबाद, कोलकाता, भोपाल है, पुणे, उन यहाँ जाना पड़ेगा। आई एम अ पुअर ट्राइबल, आई कैन नॉट गो देयर, मैं क्या करूंगा, बाहर में जाऊंगा, दैट इज व्हाट माय एटीट्यूड विल बी। So, setting up of NGT in at only localized or centralized places have actually reduced the accessibility of environmental justice of the common people. Alright? So, people's local access to justice has been taken away as only 5 seats have been set up across the country of NGT. Alright? There is a suggestion from the tribal who says that NGT should have been based in a place that has the highest forest cover or largest mineral deposit. This is the place where there is extremely poor people living in the country, the central tribal belt. आप देखिए, maximum pendency कहाँ थी? छत्तीसगढ़, 95%, उड़ीसा, somewhere close to 70%, 55% in Karnataka. All this belongs to the tribal population. और आपने bench कहाँ set up कर दी? पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता and New Delhi. Alright, so this suggestion can be incorporated. कि आप इनकी special benches बनाइए जहाँ पे सबसे ज़्यादा tribal population है, क्योंकि environmental pollution तो चलो ठीक है, बाकी वो कर लेंगे, जहाँ पे tribal और environmental conflict आ जाता है वहाँ पे तो you need to give special care there. Alright, then the fifth dimension of evaluation of performance is overstepping of jurisdiction. ये setup किए थे to appeal against tribunal है ना, to appeal against any action of the government or any entity polluting the environment. इन्होंने क्या करा, suo motu judgment देने चालू कर दिया। ये तो appeal, this is the place for appeal against an action. इन्होंने खुद ही चीजें उठानी चालू कर दी without any kind of appeal. They started the practice of judicial review, which is a prerogative of High Court and Supreme Court. इन्होंने administrative decisions को question करना चालू कर दिया, which is not the mandate of the National Green Tribunal. They started widening their jurisdiction. कैसे? पहले सुपर मोटो की बात करते हैं। NGT Act says
that this act will look into any kind of litigation that deals with any action of the government or any action of the private entity resulting into pollution of the environment or damage to the environment. इन्होंने क्या करा, किसी ने अपील नहीं करी रोहतांग पास में टूरिस्ट और उनकी गाड़ियों की, इन्होंने खुद ने चीजें उठा दी. दे सेड दैट रोहतांग पास इज वेरी ओवरबर्डन, परमिट लगा तो पैसा लगा तो एक दिन में इतनी गाड़ियां निकली. दिस इज सो मोटो जस्टिस, दिस इज नॉट द एम्बिट और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एंटिटी. दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसग्रेशन ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन दैट इज मैंडेटेड बाय द एक्ट. ऑलराइट, सो इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग द एनजीटी that it is not like Supreme Court or High Court and it is a tribunal and should not take up matter on it. Am I clear? Let's go ahead. Second, however, there are some people who said that suo moto power should be given to the entity. Why do they say that? Pehli cheez to ki section 19 says that there is no binding on the mechanism through which entity should work. That it is not bound by the CRPC or the CPC. It works on natural principle, the way it feels like delivering justice to the people. Using this particular article, they can go for suo moto, they can go for judicial review. Therefore, they say that it is not transgression of their jurisdiction. Instead, they are making use of section 19 of the Entity Act that allows them to function the way they like. So, they can take up suo moto matters also and they can go for judicial review as well in environmental related matters. Besides that, why do we need suo moto powers for NGT, very cheap, for better functioning and effectiveness. अब जैसे for example, मैंने आपको पहले बोला कि tribal बंदा है जो गांव में रह रहा है, वो नहीं जाएगा appeal करने, लेकिन अगर उसका case कैसे ना कैसे कह करके tribal NGT की किसी bench तक पहुंच गया, तो NGT can suo moto take up that matter. And a kind of justice can be delivered to the aggrieved without locus standi. PIL, locus standi वाला concept पता है ना आपको? Alright. Then second, constitution also did not confer any suo moto power to the high court. फिर भी वो perform कर ही रहे ना. High court can suo moto take up issues and go for judicial review. जबकि constitution ने judicial review mandate supreme court को कर रखा है. और hidden way से high court को भी. Similarly, hidden way से suo moto powers and judicial powers have been already conferred to the NGT, so let it exercise it. Third, same is the case with NGT, and hence suo moto jurisdiction be implicitly bestowed upon NGT, not explicitly, implicitly it flows from section 19. Am I clear? Kyon jaruri hai aur kyon justified hai iska overstepping. Next is judicial review. Judicial review means administrative decisions ko aap quash kar do if it is in contravention to any constitutional principle or the basic structure. Alright, it is the prerogative of High Court or Supreme Court. Lekin yahan pe kya hai, NGT bhi ye kaam karne lag gaya. Abhi recently Pune ke ek NGO ne NGT mein ek application dali ki jo pollution control board hai, jo expert appraisal committee hai under environment impact act, uski jo qualification or experience hai, that is not up to the mark. कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन एंड दिस थिंग. एनजीटी ने ऑर्डर पास किया कि ये जो आपने ईआईए कमिटी में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिमांड करी ये गलत है, आप इसको क्वेश्चन करिए और नहीं बनेगी. हु आर एनजीटी टू इशू दिस काइंड ऑफ रिव्यू? दिस रिव्यू इज प्रेरोगेटिव हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑल्सो अगेन रोट टू द एनजीटी एंड सेड दैट यू आर ओवर स्टेपिंग योर ज्यूरिसडिक्शन एंड एनजीटी सेड लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड. Alright, that's all. The next evaluation is on the basis of overstepping its jurisdiction, that is wider jurisdiction. The jurisdiction of NGT looks into the Forest Conservation Act, Biodiversity Act, Environmental Protection Act, Water and Air Acts, and lastly the Public Liability Insurance Act. आपके किसी action से environment को damage हुआ और उस damage से किसी को कोई harm हुआ, then NGT के पास aggrieved बंदा जा सकता है to find compensation from me. Getting my point? That is the Public Liability Insurance Act. NGT Act ने jurisdiction में लिखी लिखा है, लेकिन NGT कहाँ मानने वाला था? NGT has been constantly expanding its dimension or jurisdiction citing section 19 of the NGT Act. अभी recently
NGT has started quashing government projects who are in contravention with even Wildlife Protection Act, which is prerogative of normal judiciary, with for Indian Forest Act 1927, which is prerogative of normal judiciary. उन सब एक्ट्स में इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी एनजीटी इनसे रिलेटेड अपने डायमेंशंस, अपने जजमेंट्स दे रहा है. दैट मींस दैट एनजीटी इज ओवरस्टेपिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन. ये पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं पे चेक्स एंड बैलेंसेस नेसेसरी है. टू मच ओवरस्टेपिंग विल ऑल्सो रिजल्ट नेगेटिव. ऑलराइट, ओके. येट इट हैज एंटरटेन मेनी मैटर्स बेस्ड ऑन अबव एक्ट्स एज वेल. ओके, देन नेक्स्ट इज Next assessment is on the basis of the sixth principle, that is time limits for seeking justice. कई बार क्या होता है, environmental hazard का outcome आने में 2 साल लग जाता है. अब तो आप NGT के पास नहीं जा सकते, क्योंकि NGT तो सिर्फ 90 दिन का time देता है. So this kind of time limits are unrealistic when you try to assess the effect of environmental hazards on the health of the nation. Sometimes environmental hazards take more than 90 days, 2 years, 3 years to reveal its impact. और वहाँ पे फिर compensation के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? Lower court में. फिर तो वही तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख. ठीक है? So these time limits are unrealistic, and this amounts to the denial of environmental justice. और अगर आपको NGT के भी किसी judgment के खिलाफ appeal करना है, तो उसमें भी आपके पास सिर्फ 30 दिन का time period है supreme court में जाने के. अगर वो आपने ओवर पास कर दिया तो एनजीटी की जो जजमेंट है दैट इज फुल एंड फाइनल. एम आई क्लियर? सो द टाइम लिमिट्स आर वेरी स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट एंड अनरियलिस्टिक एंड शुड बी समवेयर डाइल्यूटेड. नाउ देयर आर सम एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट दैट हैव बीन क्वेश्चन्ड एंड हैव बीन रिगार्डेड एज वन वीकनिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. पहली चीज तो है कि द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दैट instead of a senior judge, पहले तो क्या था, एक senior judge को आपको chief किसका chairman बनाना ही था, NGT का. Now the government has adopted a policy whereby the chairperson of the NGT will be identified by a search committee, and that committee will be chaired by the chief justice of India, but the majority of the members will be nominated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. तो ऐसे ही बंदे का ही नाम प्रपोज होगा जो MOEFCC चाहता है कि वो बने चेयरपर्सन किसका, NGT का. सो दिस इज अ काइंड ऑफ वीकनिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज एक्टिंग एज अ बिग ब्रदर टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इसीलिए तो इट इज एक्टिंग एज अ डिटरेंस टू द इलेक्टेड आईसीकल एटीट्यूड. बट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हॉलमार्क ऑफ द इलेक्टेड आईसीकल एटीट्यूड. लेट्स गो अहेड. ओके, देन गवर्नमेंट सेट अप TSR सुब्रमण्यम कमिटी in 2014 to assess governmental laws. और TSR सुब्रमण्यम कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि NGT को डाइल्यूट करो. बहुत ज्यादा पावर अपने हाथ में ले रहा है NGT. It has been criticized by many as a power monger institute. So even the TSR सुब्रमण्यम कमेटी which was set up on environmental laws has talked about diluting the tribunal's powers. Besides that, अगर आप NGT अभी रिसेंटली एक और जजमेंट डेवलपमेंट है दैट द गवर्नमेंट हैज अलाउड वन जज बेंच फॉर NGT. उसका नेगेटिव आउटकम क्या होगा, दैट द हारमोनियस प्रिंसिप बैलेंस बिटवीन द जस्टिस प्रिंसिपल्स एंड द एनवायरमेंटल एक्सपर्टाइज विल बी कॉम्प्रोमाइज. ऑलराइट, बिसाइड दैट अगर आप रेगुलरली NGT को वीक करते रहोगे तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसके रिजल्ट क्या होंगे. पहली चीज, जजेस वहां क्यों जाएंगे जहां पे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है. समझ में आया? Why would judges go where their heavyweights will be compromised? वो चाहते हैं हम पूरी जिंदगी जज बन के रहे तो बाद में भी हम किसके नीचे काम नहीं करें. We need independence to work. और यहां पे MOEFCC अपना बंदा बिठा देगी, चेयरपर्सन. Secondly, when judges will refrain from going such kind of tribunals, they will become parking lots for retired bureaucrats. And retired bureaucrats need power again, and they will be functioning as a power monger institute yet again. What should be the way forward for NGT? Alright, we are now moving towards the conclusion. The way forward for NGT, सबसे पहली चीज, we have to make efforts
so that environmental justice can be made accessible to everybody in their local areas. उसके लिए क्या कर सकते हैं? Rotational basis पे benches बनाओ. आप public interest litigation चालू कर दो individual के basis पे. या फिर जो entity है, अगर कोई tribal है, वो एक बार effort करके entity के bench पे चला जाए और वो case admit हो जाता है, तो उस tribal का खर्चा entity उठाए. आना जाना computation that can be taken place. So you will have to make efforts so that environmental justice can reach the people in their locality. Because many a times, the person who is aggrieved by environmentally is very poor. The people who are living in air-conditioned homes, who have air purifier in their homes, उनको थोड़ी इस चीज़ से effort होता है. वो तो एक गरीब इंसान है, जिसके पेड़ काट लिए जाते हैं, जिसके घर के पास से गंदा नाला निकलने लग जाता है. He is aggrieved by that. He is the poor who is aggrieved. All right. Then the time limits have to be made more realistic. ये 90 दिन और 30 दिन की जो time limit है, it has to be relaxed. Because many a times environmental hazards need years to reveal their true impact. And उस time पे अगर आप उनको environmental justice deny कर रहे हो, तो आप उनको deny और delay कर रहे हो, तो आप उनको deny कर रहे हो. All right. Then NGT has acquired an image of big brother and a power monger institution. NGT was never thought upon that it will be trying to obstruct the functioning of MEO, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was to facilitate good policy making. It was to rectify any fault in functioning of MOEF, CC and other government departments. But today it is seen as antagonist to MOEF, CC. So it has to change. This image has to be changed. And a collaboration between the Environment Ministry and NGT need to take place. क्या तो NGT पहले ही कोई guidelines issue कर दे कि आपको policies इस तर्ज पे बनानी है, और अगर policies उन तर्ज पे बनी है तो litigation accept मत करो. Such kind of developments have to take place. Besides this, NGT has been accused of frivolous and anti-people cases. अब जैसे आपने 12 ATR outlets बंद करा दी हॉस कास्ट में, क्योंकि उन्होंने pollution control board से certificate नहीं लिया. चंडीगढ़ में बता दो कितने ऐसे ईटरी ऑपरेटर्स हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेके आप कोर इश्यूज को छोड़ के बाकी माइनर इश्यूज में जाके उन्हें हाइप अप करके इमेज मत कमाओ. यू हैव टू लुक इनटू, यू हैव टू टेक हार्ड स्टांस अगेंस्ट इवन दोस केसेस व्हिच आर हाई प्रोफाइल. सो दिस थिंग हैज टू बी टेकन केयर बाय एनजीटी. देन हेफ्टी फाइंस ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड अनसाइंटिफिक determination of the fines is yet another thing that NGT has to look into. They have to develop scientific mechanisms, scientific principles through which justified fines can be arrived at. एक डेरी वाला बंदा कितना कमाता होगा दूध बेच के? He is earning on a sustenance basis only. आप उसके ऊपर 25 लाख का फाइन करते हो. Where he will get the money from? Sugar mills in Uttar Pradesh are already overburdened by their loans. आपने 5 करोड़ का फाइन ऑर्डर दिया, उन्हें तो मिल की चाबी लाके पकड़ा देनी कि बेचते ले लो, वो नहीं मेरा, वो भी उतार देना. So unrealistic fines are yet another criticism of NGT, and they should devise scientific mechanisms through which practical and justified fines can be imposed. Besides that, many a times NGT has been accused that frivolous cases are registered against genuine people who are working for development. तो इसके लिए एक suggestion दिया है कि जैसे High Court, Supreme Court and Lower Courts में PIL के लिए एक screening committee होती है, वैसे ही environmental cases के लिए एक screening committee set up करिए. And that screening committee will look into कि कौन से cases genuine है और कौन से frivolous है, और सिर्फ genuine cases को NGT admit करे. और ये स्क्रीनिंग कमिटी भी ऐसे कर सकती है कि एक नॉर्मल और हाई प्रोफाइल केसेस को करे, हाई प्रोफाइल लार्जर बेंच स्ट्रेंथ को रेफर हो, और नॉर्मल केसेस कैन बी डेल्ट बाय रेगुलर बेंचेस. एम आई क्लियर? सो दीज आर द वेरियस वे फॉरवर्ड्स फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल.